IIT YouTube channel. So students, this is the lecture of income tax. And in previous lectures, we have discussed about what is the let of house property, and we are discussing that is house property. और उसके अंदर में let of house property के कुछ reminders भी किए थे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं self occupied house property, क्योंकि हमने house property के types पर ऐसे starting में कि houses are of three types. That is fully let out house property, fully self occupied house property, partly let out and partly self occupied house property. इन सभी को करने के लिए हमें दो तरीके के formats चाहिए. एक तो let out house property का जो हमने complete कर लिया. आज हम पढ़ने जा रहे हैं self occupied house property. Self occupied house property का format क्या रहेगा? यहाँ पर बहुत difference है let out house property से, बिल्कुल अलग है self occupied house property का format. सबसे पहले मिलेगी particulars amount. और ये वाला self occupied house property जब भी हम calculate करेंगे तो ये start होगा NAV से. NAV means net annual value और annual value. जहाँ हम net out में net annual value निकालते हैं वो ही उससे आगे का format start होगा. हाँ, net out house property में annual value निकालते हैं, फिर उसमें से deductions minus करते हैं. यहाँ पर भी self occupied house property में annual value से deduction start होगा और annual value हमेशा मिल रहेगी. हमें हमेशा मिल लेना है एनुअल वैल्यू में और उसमें से फिर माइनस करेंगे डिडक्शन. और डिडक्शन कौन सी जाएगी? इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन. इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन जाएगी. यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में होती है. तो यहाँ पर हम डिडक्शन सिर्फ वन डिडक्शन देंगे, दैट इज इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन देंगे. और इंटरेस्ट और लोन में हम टू पार्ट्स को डिवाइड, लोन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. Pre-construction period and post-construction period. ये हमें निकालना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से. डोमिनेशन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि pre-construction period कैसे निकलेगा, post-construction period कैसे निकलेगा. दोनों की अमाउंट निकालते हैं, फिर प्लस करते हैं और यहाँ पर अमाउंट को मेंशन करते हैं. तो जो भी हमारा अमाउंट आता है वो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी आ सकता है. तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं. या तो लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आएगा, क्योंकि मोस्टली माइनस में आना है, क्योंकि हम एनएवी हमेशा मिल लेकर चलते हैं. और जो भी अमाउंट आएगी वो हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड की टैक्सेबल इनकम या लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. हमेशा एनुअल वैल्यू से स्टार्ट होगा, एनुअल वैल्यू मिल रहेगी, उसमें से हम डिडक्शन देंगे. डिडक्शन देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की. इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन जो है जब देंगे उसमें टू पार्ट्स में डिवाइडेड होगी वो डिडक्शन. हम ये दोनों पीरियड्स निकाल लें, फिर दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये तो फॉर्मेट की बात हुई. अब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का, तो हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी डिडक्शन की. यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 30,000 भी है और 2,00,000 भी है. तो किस कंडीशन में कौन सी अमाउंट को हमें कंपेयर करना होगा, ये हम इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की ये रूल्स याद रखेंगे, तभी हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे. दिस इज द फॉर्मेट. और अब मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में, उसको स्टार्ट करते हैं. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इफ द लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट और एग्रीगेट इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज अलाउड एज डिडक्शन अप टू मैक्सिमम ऑफ 30,000 पर एनम. ये बोल रहे हैं कि अगर कोई लोन हमने लिया है किस चीज के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उस तो जो वो लोन है सच लोन इज अलाउड एज अ डिडक्शन अप टू मैक्सिमम 30,000 पर एनम. तो उस तरीके के लोन को डिडक्शन मिलती है अप टू 30,000 पर एनम. इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 30,000 पर एनम विल नॉट बी डिडक्टेबल. बट अगर इंटरेस्ट 30,000 पर एनम से ज्यादा का है तो उससे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी. नेक्स्ट लिखा है, बट इफ लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर लोन हमने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए हाउस प्रॉपर्टी के, बट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, या तो 1 अप्रैल 1999 को लिया हो या उसके बाद लिया है, एंड एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड विद इन 5 years. तो इस डेट के हिसाब से उसके बाद एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगर 5 years में कंप्लीट हो जाती है, वो 5 years कैलकुलेट कैसे होंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल.
financial year in which capital was borrowed, जिस साल में हमने वो capital या loan लिया था, उससे लेकर 5 साल के अंदर ये construction complete हो जाती है, तो उस केस में हमें जो the interest on our aggregate interest on capital borrowed will be deductible up to 2 lakh instead of 30,000. तो उस केस में हमें deduction मिलेगी 2 lakh तक की instead of 30,000. 30,000 से ज्यादा की deduction मिलेगी. अगर ये conditions mention होंगी कि 1st April 1999 को लिया है या उसके बाद लिया है और जिस भी दिन से लिया है उसके 5 साल के अंदर अगर आपका construction work complete हो रहा है तो आप deduction मिलेगी फिर 30,000 की नहीं मिलेगी फिर 20,000 2 lakh की deduction के लिए आप admissible. तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं नीचे. फॉर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड रिपेयर्ड रिन्यूड रीकंस्ट्रक्शन अप टू 31st मार्च 1999 द सीलिंग अमाउंट ऑफ 30,000 शैल कंटिन्यू. अब नीचे भी इनकी 30,000 के प्रॉपर पॉइंट्स दे रखे हैं कि 30,000 की डिडक्शन किस कंडीशन में मिलेगी और 2 लाख की डिडक्शन किस कंडीशन में मिलेगी. It must be kept in mind that ceiling limit of 2 lakh is only to the borrowed capital which has been taken only to acquire or construct the house property. इन्होंने बोला है कि ये हमें ध्यान में रखना है कि जो ceiling limit 2 lakh है ये सिर्फ उसी borrowed capital पे मिलेगी जो हमने हाउस प्रॉपर्टी के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया होगा और किसी चीज के लिए लोन लिया है तो वो यहाँ नहीं आएगा. और इसके अलावा if the loan is taken to repair, renewed or reconstruction of house, अगर loan हमने घर को repair करने के लिए, renew करने के लिए या reconstruct means दोबारा बनाने के लिए लिया है, तब उस केस में ceiling limit shall be only 30,000 even if the loan is taken on or after 1st April 1999. ध्यान रखिए नया घर बना रहे हैं उसके लिए लोन लिया है 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म हो रहा है तो 2 लाख की सीलिंग लिमिट है और अगर आपका घर पहले से बना हुआ है आप उसको रिन्यू करा रहे हैं रिपेयर करा रहे हैं रीकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो उस केस में डिडक्शन 2 लाख की नहीं मिलेगी. उस केस में डिडक्शन 30,000 पर एनम की मिलेगी भले आपने 1st अप्रैल 1999 को या उसके बाद लोन लिया हो. बट अगर कंस्ट्रक्शन नया घर नहीं बना रहे अगर आप रिपेयर रिन्यू या रीकंस्ट्रक्शन करा रहे हो चाहे किसी भी रेट को लिया हो तो आपको सिर्फ लिमिट जो है सीलिंग लिमिट वो 30,000 पर एनम की ही मिलेगी. नीचे कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं. प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आर समराइज्ड इन बी इन द फॉलोइंग केसेस मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 30,000. तो कुछ केसेस दे रखे हैं जहां पे मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन 30,000 तक मिलेगी. पहली कंडीशन व्हेन लोन इज टेकन बिफोर 1st अप्रैल 1999 वेदर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखें लोन सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए होगा तो ही वो यहां डिडक्शन में आएगा नहीं तो वो इस चैप्टर में नहीं आएगा. पहली कंडीशन जब हमें डिडक्शन 30,000 के रूल्स पढ़ रहे हैं पहली कंडीशन में अगर हमने लोन 1st अप्रैल 1999 से पहले लिया है बिफोर चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो चाहे एक्विजिशन के लिए लिया हो रिपेयर के लिए लिया हो रिन्यूअल्स के लिए लिया हो हाउस प्रॉपर्टी के इनमें से किसी भी काम के लिए लिया हो पर 1st अप्रैल 1999 से पहले लिया है तो आपको डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए 30,000 पर. दूसरा व्हेन लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 1999 ओनली फॉर रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर और रिन्यूअल. अभी पहले भी मैंने बताया या हमने लोन 1st अप्रैल 1999 को लिया हो या उसके बाद कभी भी लिया हो पर अगर वो पुराने घर में ही रिन्यू रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया जा रहा है तब भी आपको 30,000 पर एनम की ही डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगी. इसके बाद व्हेन लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 1999 rather for acquisition or construction but is not completed within 5 years. अगर आपने लोन 1st अप्रैल 1999 को लिया है या उसके बाद भी लिया है पर अगर आपकी कंस्ट्रक्शन जिस दिन से आपने लोन लिया है उसके 5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होती तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पर डिडक्शन 30,000 पर एनम मिलेगी. ये 30,000 पर एनम के सारे रूल्स हैं. अगर 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है तो 2 लाख पर एनम की मिलती बट यहाँ पे अगर आपकी कंस्ट्रक्शन 5 इयर्स में कंप्लीट नहीं होती उस दिन से जिस दिन से आपने कैपिटल बॉर्ड किया है तो भी आपको जो
डिडक्शन मिलेगी वो 20,000 पर एंट्री मिलेगी, ये 30,000 पर एंट्री रूल्स है। थ्योरी के लिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, न्यूमर के लिए भी ये सब इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, मैक्सिमम डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन शैल अप टू 2 लाख इन द फॉलोइंग केसेस। अब हम 2 लाख मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन पे किन किन केसेस में मिल सकती है, हम वो पढ़ेंगे। पहला केस, वेन लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1st April 1999 फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी। जब हमने लोन 1st April 1999 को या उसके बाद कभी भी लिया है और वो नए घर की एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख रुपीज की मिलेगी। दूसरा, when the acquisition or construction is completed within 5 years from the end of the year in which the loan was taken, या आपने जब भी लोन लिया है उसके 5 साल के अंदर अंदर, 5 साल खत्म होने से पहले पहले अगर आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है, जिस भी दिन से लोन लिया है तब से लेके 5 साल के अंदर, तो भी आपको मैक्सिमम डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगी 2 लाख। इसके बाद, when the person extending the loan certifies that such interest is payable in respect of the amount advanced for acquiring or constructing the house or refinancing of the principal amount outstanding under as earlier loan taken for such construction or acquisition। अगर आपने लोन जो लिया है उसी में आप डिमांड कर रहे हैं बैंक से कि उस लोन को एक्सटेंड कर दिया जाए, उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, तो उस केस में भी आपको 2 लाख की एक्सेप्शन डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन पर मिल सकती है। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इन मटेरियल। अब है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन पर्टेनिंग टू द पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर इन विच सच प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है किस पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या एक्विजिशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी के, पर पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर से पहले इन विच सच प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, जिसमें वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की गई या एक्वायर्ड की गई, विल बी डिडक्टेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द हाउस इज एक्वायर्ड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में हम उस अमाउंट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू करते हैं उस साल से जिस साल हमने वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया या एक्वायर की। 5 इक्वल अमाउंट्स में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अमाउंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज डिडक्टेबल इन ई इन द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड और विच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। इस तरीके से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कटेगी उस साल में कटेगी जिस साल में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट किया है। फॉर दिस पर्पस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस, मीनिंग क्या इसका, the period beginning on the date of borrowing and ending on 31st March immediately। तो period जो beginning हो रही है, starting हो रही है जिस दिन से हमने amount borrow किया है और end हो रहा है 31st March immediately before the date of completion of construction date। तो उससे पहले जो construction date की completion date है उससे पहले भी 31st March को ending होगी। Interest of the previous year in which the construction is completed or acquisition is made is allowed. Deduction during assessment year even if construction is completed or acquisition is made on last day of previous year. This if thus if the construction of a house is completed on 31st March 2020, the entire interest of previous year 1920 shall be deducted in the assessment year 2021. And the interest up to 31st March 2019 shall be pre-construction period. अगर construction 2020 में complete हुई है, तो उसका pre-construction period रहेगा 31st March 2019. It must be clear that aggregate of the amount of deduction as interest on loan shall not exceed rupees 2 lakh. तो maximum deduction जो है 2 lakh से ज़्यादा exceed नहीं हो सकती है। तो ये theory part भी है, numerical part भी है, इसका occupied house property इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना है। प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते हैं, क्वेश्चन में गिवन होता है, मैंने अभी बताया, एक ही डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, इसकी अमाउंट को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की अमाउंट को
5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन की इंटरप्रिटेशन में भी बन होता है, फिर हमारी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल जाती है। तो दिस इज द फॉर्मेट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड आई हैव डिस्कस्ड द थ्योरी पार्ट आल्सो विद दिस की सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलेगी तो कितनी लिमिट रखी है 30,000 पर एनम किन केसेस में डिडक्शन मिलेगी और 2 लाख पर एनम किन केसेस में डिडक्शन मिलेगी। इसके साथ साथ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मीनिंग भी हमने पढ़ा। सो दिस इज ऑल इन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। हमें ध्यान रखनी है ये चीजें, क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा थ्योरी, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो दिस इज क्लियर और ये नोट्स का लिंक भी आपको भेजा जाएगा, फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, So this is all for today and thank you, have a nice day.